नमस्कार, मैं रुपेश, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं गणित से, जो कि पटवारी भर्ती की क्लास आपको तैयारी करवाएंगे। दोस्तों, आज का गणित का क्लास है, पटवारी भर्ती का पहला दिन है। आज औसत का सवाल करेंगे, इसके बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे। इसका क्लास टू वीडियो में चाल, समय और दूरी से प्रश्न रहेगा। चलिए आपके देखते हैं। यहाँ पर पटवारी में इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर हुई है। उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई है? मतलब यह सवाल में पूछा गया है कि इसका औसत वर्षा कितनी हुई है, मतलब क्या ज्ञात करना है हमको, औसत ज्ञात करना है इसका। तो चलिए यहाँ पर औसत ज्ञात कर लें। तो औसत का फार्मूला क्या होता है? योग बटे राशियों की संख्या। क्या होता है? औसत बराबर योग बटे राशियों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर कितना योग हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 70 प्लस 65 प्लस 55 प्लस 90, मतलब इन चारों को जोड़ देंगे और किससे भाग करेंगे, कितनी संख्या है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, मतलब चार। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 280 होगा। अब 280 को चार से भाग करेंगे, मतलब चार से क्यों भाग करेंगे, यहाँ पर चार संख्या है ना, तो उसी से भाग करेंगे। तो 280 को चार से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 70 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन ए दिख रहा है। इसी तरह का सवाल देखिए आप देखेंगे यहाँ पर, इसी तरह का एक और सवाल देख लेते हैं, इससे आपको और समझने में आसानी होगा। यहाँ पर भी आपको औसत भार निकालना है, मतलब औसत ज्ञात करना है। तो रीता, गीता और संगीता तीन बहनों का भार क्रमशः 35.5 kg, 28.5 kg और 24.5 kg है। तो तीनों का औसत भार ज्ञात करना होगा। तो औसत के लिए आपको फार्मूला बताया था, तो औसत का फार्मूला होता है योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जोड़ लेते हैं, इन चारों को जोड़ लेंगे। तो इन चारों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 88.5/3 है ना। अब यहाँ से तीन से उसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो 29.5 kg आएगा, मतलब इसका आंसर सी होगा। ओके, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद पटवारी गणित से संबंधी क्लास करना चाहते हो तो आज से 15 दिनों के लिए क्लास स्टार्ट हो गया है। इसी चैनल पर आपको गणित से संबंधी पूरा क्लास आपको कराएगा। अगर किसी भी प्रश्न पर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ओके, हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो दिए गए डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, आप जाके जुड़ सकते हैं। चलिए ज़्यादा वीडियो को देरी ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों का औसत आयु 30 वर्ष है। क्या बोला गया है यहाँ पर, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर, अब क्या कर रहा है वहाँ पर, कप्तान को भी शामिल कर रहा है। कप्तान के औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, अब शामिल भी हो गया है और 1 वर्ष आयु बढ़ भी जाती है। तो कप्तान की आयु ज्ञात करना है। तो सबसे आसान तरीका बताऊंगा आपको, दो लाइन में बताऊंगा और सबसे आसान तरीका है। देखो यहाँ पर, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो आपको क्या करना है, ये 10 × 30 कर देंगे। यहाँ से 10 × 30 करेंगे कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। मतलब क्रिकेट टीमों के जो सदस्य संख्या का औसत आयु 300 वर्ष है। अब उसके साथ क्या बोला, कप्तान शामिल कर लिया जाएगा, तो उसकी आयु में 1 वर्ष बढ़ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर कप्तान भी शामिल कर लिया गया है, तो टीम कितना है, 10 था, अब कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसी पर अगर यहाँ पर औसत आयु कितना, 30 वर्ष था, तो उसमें 1 बढ़ जाएगा तो 31 हो जाएगा। तो 11 × 31 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 341 आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर पहला मान और दूसरा मान आ गया है, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को घटा देंगे पहला समीकरण से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 41 वर्ष आएगा ना। हाँ, यहाँ पर देखो 41 वर्ष आएगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। ओके, इसके बाद पार्ट टू वीडियो में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। धन्यवाद।